8:45 हो रहा है और मैंने बनानी है अभी सब्जी वगैरह, तो किचन का काम कर लिया है, झाड़ू लगाना शुरू करना है, तो अभी 10 बजे आएंगे, तो फिर उसके बाद हम जो है अपना खाना वगैरह खाएंगे। पर आज मुझे सस्ती पड़ी हुई है, कल की तरह दिन ही कुछ ऐसे चल रहे हैं। किचन हमारी एकदम हो चुकी है क्लीन, तो खाना वगैरह खा के सारा काम करके मैं हो तो चुकी हूँ फ्री। तो अभी शाम का देखेंगे, दोपहर का तो हो गया, तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो देखिए हमारे समझदार पति यानी कि मेरे हस्बैंड फौजी साहब अपना काम जो है वो खुद करते हैं, तो ये क्वालिटी इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो अपने कपड़े अपना सामान ये खुद ही सेट करके रखते हैं। तो जब हमारी नई नई शादी हुई थी तो जैसे हमारे घर का जो माहौल है हमें यही लगता है था कि मतलब कि लेडीज़ को जेंट्स के काम करने होते जैसे घर के कपड़े, तो आदत थी तो मैं इनके करा करती थी। तो फिर इन्होंने मुझे मना कर दिया कि मैं अपने जो कपड़े हैं वो खुद रखा करूँगा। तो इसी तरह से आज इन्होंने अपना पूरा सेटिंग की, तो 2 घंटे लगातार इन्होंने काम किया क्योंकि ये बॉर्डर गए थे, तो बॉर्डर पे काफ़ी सारे सामान लेके जाना होता है, फिर उसको लेके आके फिर वॉश करना होता है, जैसे स्लीपिंग बैग होता है, बिस्तर होता है दूसरा वाला, और भी काफ़ी सारा सामान होता है, उन सबको धो के सुखा के फिर वो बैग पैक करके उसी टाइम पे ये रख लेते हैं। तो इनको बस यही होता है, जब छुट्टी घर पे भी आते थे तो रात को मुझे बोलते थे कि रात को ही कपड़े धो लो, तो कपड़े धोने का काम मेरा होता है लेकिन बाद में उसको सेट करने का काम इनका होता है, तो मेरा धो के उनको सुखाना होता है बस। कई कई बारी तो ऐसे भी करते हैं कि ये अपने कपड़े जो है खुद ही वहाँ से ऊपर से उतार के लाते हैं धूप से, तो काफ़ी मतलब मुझे सुख है। ऐसा नहीं है कि बाकी कमियां पेशियां हर इंसान में होती हैं, मुझ में ज़्यादा ही हैं उनसे, मुझे तो यही लगता है। तो बाकी नेचर अपनी अपनी होती है। तो शाम का टाइम हो चुका है, तो आज मैंने ये कुर्सी का जो कपड़ा है वो भी वॉश किया था, तो अभी इसको मैं बांध रही हूँ, तो यहीं से हमने ये ली थी BSF से, तो थोड़ी फटी हुई है तो इसीलिए मैंने इसको एक कपड़ा चढ़ाया हुआ है। इसका जो स्पॉन्ज है वो भी बहुत निकलता है, तो इसीलिए फिर इसको लिए हुए हमें 1 साल हो गया है, 1 साल से हमारे पास है। तो एक दुपट्टा था मेरा बिल्कुल नया और वो दुपट्टा भी मैंने ख़राब कर लिया इस पर बांध बांध के, थोड़ा कलर भी इसका फेड हो चुका है। तो शाम का टाइम है, 4 बजे ये ड्यूटी चले गए थे, उसके बाद मैं अपना गार्डन का जो काम है या फिर गार्डन के चैनल की जो वीडियो है वो बनाने के लिए बालकनी में आ गई थी, तो ये रहता था थोड़ा सा काम घर का, तो फिर मैंने पहले ये किया फिर उसके बाद बनाई वीडियो। और वीडियो आज मैंने आराम किया काफ़ी क्योंकि कल मैंने सारा दिन काम किया, 5 बार तो कपड़े ही धोए, तो उसमें से 1 बार इन्होंने धोए बाकी मैंने, तो 5 बार धूप में डालने में ही गई थी ऊपर, तो बार बार चढ़ना उतरना ठंड में पैर धोने लगते हैं। हो गया है 4:30 का और पसंद है और नहीं कुछ, तो कल मैंने खाए थे तो काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन जैसे पंजाब में मिलती है ना अच्छे फ्रेश वाले वैसे नहीं है, पता नहीं यार लोग कम खाते हैं या कैसे, तो वो पुराने पड़ जाते हैं शायद। तो टाइम हो गया है 4:30 का, फिर इसके बाद मुझे बनानी है सब्जी। सब्जी हमने कट कर ली है, अभी फटाफट से बना लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं।
हस्बैंड आ चुके हैं, हमारी सब्जी भी बन गई है और रोटी भी बन गई है। तो आज हमने मल्टी ग्रेन रोटी बनाई है क्योंकि आटा पड़ा हुआ है, तो मैंने सोचा कि इसको खत्म कर देते हैं, तो 5-6 रोटी बना ली है। तो अभी हम खाना खा लेते हैं। तो ये हमारा आज का डिनर है, साथ में मूली काटी है बस। आज के ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।